तो गाइस वेलकम टू द आर्ट स्टूडियो। तो ये है पार्ट 3, लास्ट पार्ट। मैंने स्केच को कंप्लीट कर लिया है, पूरा वीडियो एंड तक देख लेना दोस्तों, ये उसका स्टार्टिंग पार्ट है। तो गाइस कुछ इस तरह का पिक्चर हमारा बना है और अब यहाँ से ये जो पार्ट है इसे मैं 4B की पेंसिल डोम्स की यूज करूँगा और लास्ट वन में दोस्तों मैं इसके अंदर 6B का यूज करूँगा, क्योंकि ज़्यादा डार्क मुझे पसंद नहीं। बहुत ज़्यादा डार्क में किसी टाइम में बहुत डार्क कर देता था पिक्चर को, इससे पिक्चर का रियलिस्टिकनेस ख़त्म हो जाता है। ज़्यादा इसमें डार्कनेस नहीं करनी चाहिए, स्लोली वर्क करिए, इतना ही आपको बेनिफिट अच्छा होगा और स्केच का रियलिज्म थोड़ा बहुत बाहर आएगा। अगर आप एक बिगनर हैं तो यहाँ पर कैमरा थोड़ा उलट गया था, गिर गया था दोस्तों। लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर स्केच को एकदम रियलिज्म में लेके जाना है, रियलिज्म में, तो आपको आगे की दो छोटे पॉइंटर है और बिग ब्रदर है जो कि और एक थंब है, उसको इन तीन को यूज़ करना है दोस्तों, जिससे रियलिस्टिक स्ट्रोक्स लगेंगे और उसके अंदर कोई भी ज़्यादा पैचेस नहीं नज़र आएंगे दोस्तों। जो पैच पिक्चर के अंदर दिखते हैं वो नहीं आएंगे। ऊपर का देखिए, और ये यहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया है पूरे स्ट्रोक्स ही लगाया है दोस्तों, इसमें कोई भी मैंने स्क्रबिंग नहीं किया है। तो इसमें और ऊपर में बहुत ही डिफरेंट आएगा, देखना दोस्तों इसकी रियलिस्टिक और ऊपर में। तो ये इसके लिए भी मैंने कोर्स किया था दोस्तों, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। और देखिए इसमें और ऊपर वाले में कितना डिफरेंट आ रहा है, जो स्ट्रोक लगाने से। और उसके बाद मैं ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ गाइस, और अब मैं प्रेशर वाली हैवी पेंसिल 8B का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे इफेक्ट कुछ अच्छी आ जाए। तो गाइस ये जो क्रीज बन रही है, जो कि उनके ड्रेस के अंदर है, यहाँ पे जो लेडी हमने बनाई है मोहिनी, उसकी जो क्रीज है उसके यहाँ पे डार्कर पोर्शन है, ब्लैक कलर को प्रेशर अप्लाई करना है। तो ग्रेफाइट को प्रेशर जितना करेंगे उससे ऊपर का निखार आएगा। Thank you.
दोस्तों यहाँ तक पिक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। मैंने थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग ब्रश भी यूज़ कर लिया है। ये हीरो का ब्रश है जो कि फ्लैट वर्जन है, दूसरा तो मुझे कोई पता नहीं है। लोग हैं जो कि ब्रशों के यूज़ करते हैं। और अब मैं सोचता हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत फिक्सेटिव को स्प्रे कर लेते हैं दोस्तों, जिससे पिक्चर की इफेक्ट कुछ अच्छी आएगी। तो ये है फिक्सेटिव स्प्रे, इससे हम लोग स्प्रे कर लेते हैं, जिससे हमारे कलर्स जो कि स्केच है बिगड़ेगा नहीं, ब्लेंडिंग होगी नहीं ज़्यादा दूसरे पेपर के ऊपर, और वैसा का वैसा पिक्चर हमेशा रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा, स्केच आपको कैसा लगा है। ये था 2023 का, जो कि स्केच बुक के अंदर A3 साइज़ का पेपर है।